हे गाइस वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। गाइस आज वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग OBS स्टूडियो में ब्लैक स्क्रीन एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं। गाइस जब भी आप लोग OBS स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों को एक बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन देखने में मिलती है। अगर आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोगों को जस्ट ये वाले स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने विंडोज आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है ग्राफिक्स सेटिंग्स। यहाँ पे सिंपली ग्राफिक्स सेटिंग को हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे गाइस आप लोग डेस्कटॉप एप्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट और एप्स को चूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप ऐप को चूज करेंगे। उसके बाद सिंपली आप लोग ब्राउज पे क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ पे आप लोग उस ड्राइव को ओपन करेंगे जहाँ पे आप लोगों ने OBS स्टूडियो को इंस्टॉल किया होगा। बाय डिफॉल्ट जो OBS स्टूडियो इंस्टॉल होता है वो लोकल ड्राइव सी में होता है, तो हम लोग लोकल डिस्क सी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से गाइस आप लोग सिंपली प्रोग्राम फाइल्स में आएंगे। प्रोग्राम फाइल्स वाला फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास एक OBS स्टूडियो वाला फोल्डर मिल जाएगा। इसको सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइस फर्स्ट नंबर पे आप लोगों के पास एक बिन वाला फोल्डर होगा, सिंपली से हम लोग इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अगर आप लोगों का पीसी 64 बिट वाला है तो 64 बिट वाला फोल्डर यहाँ पे मिल जाएगा। अगर 32 बिट वाला है तो आप लोगों को यहाँ पे 32 बिट वाला फोल्डर मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 64 बिट वाले फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे गाइस आप लोगों के पास OBS स्टूडियो की एग्जी फाइल मिल जाएगी। तो सिंपली आप लोग इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप लोगों के पास एक ऐड का ऑप्शन होगा, तो ऐड पे आप लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे गाइस OBS स्टूडियो हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग में ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आप लोग ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन होगा हाई परफॉर्मेंस का, तो इसको आप लोग सिंपली चूज करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे गाइस इस तरह से हमारे पास ग्राफिक सेटिंग हो जाएंगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे मेन काम होता है कि आप लोगों ने यहाँ पे सीन एंड सोर्सेज को ऐड करना होता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जब आप लोग OBS स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों के पास ये कोई भी स्क्रीन को कैप्चर नहीं कर रहा होता और आप लोगों के पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक सीन ऐड होता है। उसके बाद जब आप लोगों ने इसमें सोर्सेज को ऐड करना होता है तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक प्लस वाला आइकन दिखाई देगा, तो आप लोग सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस आप लोगों के पास एक डिस्प्ले कैप्चर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको चूज करने के बाद आप लोग अपने फुल डिस्प्ले को कैप्चर कर पाओगे। तो जैसे ही आप लोग डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे इसका जो भी नेम वगैरह रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस हमारा जो डिस्प्ले होगा वो पीछे की जानिब कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों के पीसी के साथ एक से ज्यादा डिस्प्ले कनेक्टेड हो तो यहाँ से आप लोग उन डिस्प्ले को भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद अगर आप लोग गाइस स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो स्क्रीन होगी वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। सो गाइस फिर भी अगर आप लोगों का ब्लैक स्क्रीन वाला इशू सॉल्व नहीं होता तो फिर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखकर OBS स्टूडियो को एक बार परफेक्टली इंस्टॉल कर लेना है। बिकॉज गाइस जब आप लोग OBS स्टूडियो को इंस्टॉल कर रहे होते हो तो आप लोग इसकी विजुअल C++ वाली फाइल्स को डाउनलोड नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोगों को एरर्स आ रहे होते हैं। सो गाइस फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर YouTube चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।